तब मैंने देखा एक डेड बॉडी मेरे सामने ऐसा लटका हुआ। तब वो जो सीढ़ी होता है वो दो स्टेप में चढ़ गया और गायब हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको मेरे से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड ये जो हॉरर स्टोरी है वो काफ़ी पर्सनल है क्योंकि ये मेरे स्कूल से रिलेटेड है। क्लास सिक्स तक तो मैं एज ए नॉर्मल, मतलब नॉर्मल स्कूल से, यानी कि जैसे सुबह को स्कूल जाना और शाम तक वापस आ जाना, ऐसे मेरा क्लास सिक्स तक सब। बट क्लास सिक्स के बाद मेरे को हॉस्टल भेजा गया। ये जो हॉरर एक्सपीरियंस है वो मेरा हॉस्टल से। तो मैं जब हॉस्टल में गया था तब मेरे लिए सब कुछ नया था, घर से दूर था मैं, तो मेरे लिए सब कुछ मतलब थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट होने में टाइम लगा। बट मैं धीरे धीरे एडजस्ट हो गया और अपने अपने हम सब क्लासमेट्स मिलने लगे। तो हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि हॉस्टल्स में थे तो हॉस्टल्स में कितना मज़ा आता है हम सबको पता है। बट धीरे धीरे हम लोग क्लास बढ़ता गया, क्लास सिक्स सेवन एट, हम एट तक पहुँचे। फिर एट में मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो कि वो मेरे लिए एक नाइटमेयर टाइप है, क्योंकि मैं जब उस बारे में सोचता हूँ तो आज भी मैं हिल जाता हूँ। तो क्लास एट में संडे का वो दिन था तो मेरे पेरेंट्स वगैरह आए हुए थे, पेरेंट्स से बात करें तो जनरली खाना वाना ले गया था। फिर खाना वाना खा के मैं वो टिफिन बॉक्स को वॉशरूम में धोने के लिए चला गया। फिर जब मैं वॉशरूम में गया तब मैंने देखा एक डेड बॉडी मेरे सामने ऐसा लटका हुआ। उसकी बॉडी पूरी ब्लू हो चुकी थी और दर्द के मारे उसका शायद यूरिन भी निकल चुका था। मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी ब्लू हो चुकी थी। एंड जो भी मैं देख रहा था उसको मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा था। बट देन मैंने धीरे धीरे अपना होश संभाला। फिर सब लोग गैदर हुए कि कोई साइड कर चुका है, तो हम सब गैदर हुए, हमने देखा तब तक हमारे पेरेंट्स भी जा चुके थे। तो हम सब घबराए हुए थे कि अब क्या करना है। तो फिर पुलिस वगैरह आई, कार्रवाई वगैरह हुआ, तब हमने स्कूल में टीचर्स वगैरह को बताया, बाकी सब नॉर्मल हो गए। फिर हम लोग अपने अपने हॉस्टल्स में थे। तब से हमारा ये जो हॉरर चीज़ है ये शुरू होता है। मैं एक बार रात को 2 बजे अपने हॉस्टल से वॉशरूम की तरफ गया, ऐसे ही नॉर्मली फ्रेश वगैरह होने। एंड जब मैं वॉशरूम में गया, अपना मुंह धो रहा था, तब मैंने सुना कि टैप चल रहा है। एंड मेरे को लगा कि रात को 2 बजे कौन टैप चला रहा होगा, क्योंकि हॉस्टल में पानी लिमिटेड होता है तो आपको मग से लेके जाना पड़ता है पानी, फिर आपको मुंह वगैरह धोते हैं। तो टैप उस टाइम में चलना थोड़ा मेरे को स्ट्राइक हुआ कि क्या हुआ। तो मेरे को लगा पानी वानी आ गया होगा तो कोई मतलब कर रहा होगा कुछ। फिर मैं गया उस टैप के पास, तब मैंने देखा कि कोई भी नहीं। जेन्युइन बात मेरे को डर लगा, बट इतना भी नहीं, मैंने सोचा मेरे को वहम हुआ है कि मैंने सुना होगा, तो मैं वापस घूमा। एंड मैं फिर अपना मुंह धोने लगा, तब मैंने फिर सुना कि टैप चल रहा है। तब मैं पूरा क्लियर था कि टैप चल रहा है। एंड देन मैं वापस घूम के गया, तब मैंने वापस देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैं जब टैप को देख रहा था तब मेरे को लगा कि ऐसा फील हुआ कि मेरे को कोई दीवार के साइड से मेरे को कोई ऐसा देख रहा है। आपका सिक्स सेंस मान लो या कुछ भी मान लो, जब आपको कोई देख रहा होता है तब आपको बॉडी अचानक पता चलता है कि कोई देख रहा है या फिर कुछ हो रहा है। तब मेरे को लगा कि मेरे को कोई दीवार के साइड से देख रहा है, इल्यूजन भी हो सकता है मेरे को पता नहीं। बट मैंने जब उस तरफ देखा तब मेरे को एक ब्लैक शैडो दिखाई दिया जब मेरे को ऐसा देख रहा। और जब मैं चिल्ला के पास गया तब वो जो सीढ़ी होता है वो 2 स्टेप में चढ़ गया और गायब हो। मालूम है ये बात सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, मेरे क्लासमेट लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, बट मैं उस रात बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड देन मैं चुपचाप जाके सो गया, मैंने कुछ नहीं किया। एंड कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त, हम लोग का इवनिंग क्लास होता है, तो इवनिंग क्लास के टाइम में मेरा एक दोस्त, उसका वो अपना बुक भूल गया था, तो फिर वो बुक लेने के लिए हॉस्टल में जाता है। उसने हम लोग को बताया कि वो जब हॉस्टल में गया तब क्या हुआ, सब सन्नाटा था, लाइट ऑफ था क्योंकि सब लोग क्लासरूम में थे, वो बुक लेने गया था तो सब सन्नाटा था और चुपचाप। एंड देन वो बुक लेके आ रहा था तभी सारे बॉटल्स गिर जाते, तब उसको लगा कि अर्थक्वेक है, तो वो भागने के लिए जा रहा था। तब उसको ऐसा महसूस हुआ कि विंडो के पास कोई भागते हुए जा रहा है बेलकनी की तरफ। वो डर जाता है और डर के मारे एक सांस में भागते हुए हम लोग के पास आता है और बेहोश हो जाता है। एंड उसको 5 दिन फीवर भी रहता है, फिर उसको लीव, मेडिकल लीव मिल जाता है, फिर वो घर चला जाता है। एंड देन उस टाइम एग्जाम्स भी चल रहे थे तो हम लोग सारे मिलके ग्रुप स्टडीज करते थे, तो रात के 2-3 बज जाते थे, तो फिर हम लोग 7 लोग पढ़ाई कर रहे थे, फिर हम लोग अपने अपने बेड में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। फिर 2 दोस्त उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को वॉशरूम वगैरह जाना, तो हम लोग बोला ठीक है जाओ। फिर जब वो वॉशरूम में गया, फिर हम लोग 5 लोग थे, फिर क्या होता है,
ऐसा हम लोग का हॉल होता है, ठीक है। हॉल में कम से कम 30 बेड है, 30 बेड में हर एक साइड में विंडोज है, हर एक बेड को लेके एक एक विंडो है। तो फिर क्या होता है कि हर एक साइड में कोई विंडो पे मारते हुए भागता है, इधर से एक बार मार के भागा, फिर इधर से एक मार के भागा। फिर हम लोग को लगा क्या खतरनाक टेक्निक है, तो क्योंकि वो भागने का भी साउंड नहीं आया और एक ही बार में वो मारते हुए गए, तो हम लोग को लगा कि वो दो लोग होगा। जब वो दोनों वापस आया तो हम लोगों ने पूछा कि तुमने कैसा किया ये सब, इतना खतरनाक लग रहा था। फिर वो दोनों ने बोला कि हम लोग तो वॉशरूम गए ही नहीं, हम लोग तो उधर पीछे कुछ खा रहे थे। एंड देन हम सब की फट गई, हम सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हम लोगों ने बुक को बांध लिया और सारे सो गए, एक बेड पे तीन तीन करके सो गए। जैसे जैसे करके वो रात निकाल लिया, हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए। एंड देन एक एग्ज़ाम बाकी था, तो उसके बाद हम सब ने सोचा था कि हम लोग सब घर चले जाएंगे, क्योंकि रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक के बाद एक हर चीज़ होते जा रहा था। एंड देन हम सब ने सोच लिया कि अगले दिन घर जाना है, तो हम सब ने पैकिंग वगैरह कर लिया। एंड पैकिंग वगैरह करने के बाद जब हम लोग बिस्तर वस्तर ठीक कर रहे थे कि अगले दिन निकलना है, क्योंकि हम लोग का जो हॉस्टल था वो 2 फ्लोर का था, तो नीचे में हम सारे 8 वाले रहते थे, ऊपर में 6-7 वाले, तो हम सब नीचे थे। तो हम सब क्लास 8 का लास्ट का एग्ज़ाम था, एंड ऊपर वाले सारे 6-7 के बच्चे लोग का एग्ज़ाम हो चुका था, तो वो लोग घर जा चुके थे, तो ऊपर पूरा खाली था। तो नीचे हम लोग क्लास 8 के 6-7 स्टूडेंट थे, तो हम लोग पैकिंग वगैरह करके हम लोग घर जाने के लिए रेडी थे कि अगले दिन हम लोग घर चले थे। एंड देन हम लोग बात कर रहे थे, सभी ऊपर से कोई भागता हुआ जाता है। ये सुन के मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा फट गई, वो रोने लग गया, वो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया उसने कि घर जाना है घर जाना है। फिर हम लोग ने वार्डन को बुलाया, वार्डन ने बोला कि हम लोग ऊपर चेक करेंगे। फिर हम लोग 5-7 लोग मिलकर वार्डन के साथ ऊपर में गए, और जब हम लोग ऊपर गए तब पूरा घना अंधेरा, कुछ भी नहीं है, ना कोई सामान है, कुछ भी नहीं है, बस बिस्तर खाली और दरवाज़ा सामने पीछे दोनों तरफ से लॉक था, और अगर कोई प्रैंक भी करना चाहता तो वो घुसता कैसे। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर हम लोग को थोड़ा डर लगने लगा। फिर हम लोग वापस आए, वार्डन को लगा हम लोग मजाक कर रहे हैं जल्दी जल्दी घर जाने के लिए, तो वार्डन हम लोग को डांट के वो चला गए। फिर हम लोग सब थोड़ा डरे हुए थे, तभी क्या होता है एक रोने का आवाज़ आ जाता, एंड वो साउंड बेलकनी से आ रहा। तो फिर अगर हम लोग वापस वार्डन को बुलाते तब शायद वार्डन और गुस्सा हो जाते। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 5-7 लोग हैं, हम लोग मिलकर देख कर आएंगे। तो हम सब बेलकनी में गए, हम 6-7 लोग थे, तो हम लोग सब देख रहे थे इधर उधर, लेकिन हम में से एक दोस्त सुन्न खड़ा हो गया चुपचाप। तो हम लोग ने से पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ बता नहीं रहा था, सुन्न हो गया था। तो हम लोग सोचा कि उधर रहना ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको लेकर वापस आ गए। जब हम लोग रूम में वापस आए तब वो बंदा रोने लगा, लिटरली इतना रोने लगा कि हम लोग भी डर गए। फिर रोते रोते उसने ये कहा कि जब हम लोग घुसे तब उसने उसी बंदे को देखा जो कुछ दिन पहले सुसाइड कर चुका था, एंड वो ऊपर बैठकर रो रहा। तब हम सब ने डिसाइड किया कि सुबह तक सोएंगे नहीं और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और लोग 5-7 लोग थे, हम लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि जिससे जैसे सुबह हो जाए। और सुबह हो गई, हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम्स वगैरह दे के हमने अपने अपने पेरेंट्स को बुला लिया, और पेरेंट्स आ चुके थे। फिर हम लोग पेरेंट्स के साथ घर चले गए, और उसके बाद क्या हुआ ये तो मैं नहीं था, बट उसके बाद हम लोग ने टीचर्स लोगों ने बोला कि पूजा पाठ वगैरह हुआ। तब पंडित ने सर लोगों को बोला कि यहाँ पे एक एनर्जी थी जो गिल्ट में थी कि वो इस दुनिया को छोड़ चुका है, और उन सबको बताना चाहता था कि वो वापस आना चाहता है। अब सर ने ये सच बोला या झूठ हम सबको पता नहीं, लेकिन पूजा वगैरह कराया गया इतना तो पता है, क्योंकि धागा वगैरह बांधा हुआ था। इस चीज़ को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, लेकिन ब्रजम बली की कृपा से हम लोग बच गए, और जो भी चीज़ हुई वो एक नाइटमेयर बन के रह गई। तो ये था मेरा हॉरर एक्सपीरियंस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपका मन हो तो कर देना, एंड अगर आपका भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो कमेंट से मेरे को बता देना। जय बजरंग बली।